दानापुर पुलिस ने आनंद बाजार में चोरी का मोबाइल बेच रहे 3 अपराधियों के पास से 8 लाख का मोबाइल जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने झारखंड निवासी 3 अपराधियों को कई सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। मामले की पुष्टि करते हुए दानापुर ASP सईद इमरान मसूद ने कहा कि इनका नेटवर्क बिहार से झारखंड तक फैला हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार दानापुर पुलिस को ये सूचना मिली कि आनंद बाजार के आसपास कुछ असामाजिक तत्व चोरी की मोबाइल बेचने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक टीम का गठन कर छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने 3 अपराधियों को दबोच लिया। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब इनके झोले खंगालने शुरू किए तो पुलिस को ये देखकर काफी आश्चर्य हुआ। उनके पास से पुलिस ने झोले से 66 महंगे मोबाइल जब्त किए हैं। दानापुर ASP सईद इमरान मसूद ने कहा कि जब्त किए गए मोबाइल की कीमत 7 से 8 लाख के आसपास है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी गोपाल लोनिया, धीरज कुमार और शेख रहमान झारखंड के निवासी हैं और ये सभी बिहार से लेकर झारखंड तक रात के अंधेरे और दिन के उजाले में मोबाइल लूटपाट का काम करते थे और इसे बाजार में सस्ते दामों में बेचते थे। बरामद किए गए मोबाइल में कई मोबाइल काफी महंगे हैं, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। गिरफ्तारी अभियान है, उद्भेदन कर रहे हैं। ये दानापुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें आनंद बाजार में हम लोगों को सूचना मिली कि कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं चोरी का मोबाइल को बेचने के लिए। तो थाना अध्यक्ष दानापुर के द्वारा एक टीम गठित की गई। स्पेशल टीम ने छापामारी की। छापामारी में 3 व्यक्ति को रंगे हाथ अरेस्ट किया गया। उनके पास से जब तलाशी ली गई, बैग मिले उनके पास से, तो तलाशी के क्रम में कई सारे मोबाइल फोन बरामद हुए। इनको जब काउंट किया गया तो 67 मोबाइल फोन्स इसमें बरामद हुए। ज़्यादातर सब जो हैं वो स्मार्टफोन्स हैं और कुछ महंगे वाले फ़ोन्स भी हैं इसमें, एप्पल के हैं, सैमसंग के हैं और भी बड़े बड़े ब्रांड के मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए। ये 3 लोगों से जब पूछताछ शुरू हुई तो मालूम पड़ा कि ये तीनों लोग झारखंड के साहेबगंज ज़िला के हैं और वहीं के रहने वाले हैं। और बताया इन लोगों ने कि ये लोग पूरे बिहार में और अन्य जगहों पर भी घूम घूम के कुछ कुछ दिन पे रहते हैं वहाँ पे जा कर के, और जो भी स्मार्टफोन इनको मिलता है उसको चुराते हैं और चुराने के क्रम में उसके बाद ये अलग अलग स्थानों पे जा कर के उसकी बिक्री करते हैं। यही इनका मोटस है और इसी के साथ ये लोग काम करते हैं। क्या कहेंगे सर, दानापुर में भी काफ़ी फोन मोबाइल की चिंता ही हो रही थी, इसमें हाथ है ये लोग का? इसमें हम लोगों ने कुछ फोन्स को वेरीफाई किए हैं तो हमको मालूम पड़ा है कि पिछले कुछ दिनों में, एक हफ्ते के अंदर, जो फोन्स की चोरी हुई थी या छिनताई हुई थी उसमें से कुछ फोन इसमें रिकवर हुए हैं। और भी फोन का सत्यापन चल रहा है तो इसमें हम लोगों को ये कह सकते हैं।